जी, तो आज आशु भैया स्वागत कर रहे हैं। तो सबका स्वागत है अक्षर ब्लॉग्स के न्यू वीडियो में। तो हमने कुछ सामान मंगाया था दुबई से, जैसे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, लास्ट टू लास्ट में। तो आई लव UAE है भाई, तो देखते हैं क्या आया क्या आया। तो पहले तो आइए भाई आई वॉच। मैं भी सैमसंग S3 पहन रहा हूँ। सैमसंग की S3 वर्जन पहन रहे हैं आशु भैया। मुझे दिखने में आई वॉच, मम्मी ने इसकी पूजा कर दी है पहले ही, तो ये साथ ही लगा हुआ है हमारा। और ये है भाई एक कवर है मैक्सेफ का कवर है ये। हाँ जी, 13 प्रो मैक्स। अच्छा अच्छा, ओके। अब चलता भाई। ओहो हो, लो भाई फोन आया है, आईफोन 13 प्रो मैक्स 1 TB। अच्छा, स्पेसिफिक 1 TB है। हाँ 1 TB है। तो पहले आईफोन से शुरू करें, पहले आई वॉच से करते हैं ना। चलो पहले आई वॉच से। आई वॉच से तो आज जो ये जो हमारा वीडियो, ये अनबॉक्सिंग का है। आईफोन के बारे में स्पेशली मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो रहेगा, तो काफ़ी चीज़ें स्पेसिफिकली उसकी बताऊंगा, मैंने कौन सा वर्जन क्या कैसे मंगवाया है दुबई से। और आपको कोई सवाल हो तो पूछ लेना। आई वॉच आज हम अनबॉक्स करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो ये अगर आपको देखोगे इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको बता देता हूँ। सीरीज 7 है, ब्लू एल्युमिनियम केस है, 45 mm वाली है। और ये जो हमने मंगाई है ये है वाईफाई वाली, है ना। GPS दो आती हैं, जो कि GPS और एक आती है कौन सी वाली भैया, 3 Wi-Fi Plus सेम आती सेल्युलर है, आती है। तो अगर हम सेल्युलर बाहर से मंगाते तो वो थोड़ी सी इशू रहते हैं। हाँ, तो मतलब यहाँ सेल्युलर नहीं चलता, कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो एप्पल की जो अनबॉक्सिंग है ना यार, मैं आपको क्या बताऊँ, क्या ही बताएं यार। फर्स्ट है हमारी आई वॉच, तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसके अनबॉक्सिंग का, कैसे क्या है। बट हाँ, बहुत ही बढ़िया। ओके, नाइस ब्रांडिंग। तो ये अगर आप देखोगे सील अनसील होके आई है, बिकॉज हमने अपने दोस्त को बोल दिया था, तो उसकी भी थोड़ी सी ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अगर आपको दुबई से मंगानी है तो, और नहीं तो कस्टम इश्यूज हो जाते हैं, तो उसकी अलग एक कहानी है, वो बदलताएंगे। ओके, ओ दो हैं, ये मुझे नहीं आइडिया था। ओ पहले इसे खोलते हैं। तो ये हमारा शायद मेरे ख्याल से रिस्ट बैंड है। भाई ये तो नाइस क्या। तो ये तो बॉक्स हो गया हमारा। इसका स्पोर्ट बैंड है, स्टेनलेस स्टील पिन है इसकी, और यही कहानी है। खोलो बैंड, दिखाओ। कहानी तो खुलेगी। ओके, हम इसको साइड में रख देते हैं जो माल निकलता जा रहा है। और ये तीन बैंड, अच्छा एक वो होगा और एक एक साइड का। तो ये छोटा सा पेपर वर्क है जिसका कोई लगता नहीं है कि कोई कार्य है, तो निकाल दो तो कुछ निकाल दें। और ये पहनेंगे ना, घड़ी बदली जाएगी। आशु बेचे, आशु बेचे। तो हमने ब्लू इसलिए मंगाया क्योंकि आशु भैया अभी जो फोन यूज कर रहे हैं वो 12 प्रो मैक्स यूज कर रहे हैं, जो कि ब्लू कलर का है, सियरा ब्लू, तो इसे लग रहा है मैच करेगी। तो यार ये एक एक्स्ट्रा दिया है ना उन्होंने, एक एक्स्ट्रा है। हाँ, बिकॉज सेम ही चीज़ है, तो अगर आपको यूज करना हो तो मेरे ख्याल से वो एक्स्ट्रा है। और ये ऐसे लग जाएंगे, तो हैं ये दोनों, मैंने ऐसे रख दिए। तो ऐसे ही लगेंगे। अब हम अनबॉक्स करेंगे अपना आई वॉच सीरीज 745 mm। ओके, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। पूरा लुक है, क्या तो बात है। हाजी भैया, क्या तो बात है। तो ये भी शायद पेपर वर्क है। हाँ, इसके अंदर ये स्टिकर्स वगैरह कुछ नहीं देते हैं इसमें। एप्पल खाली आई वॉच का लेबल है, और एक छोटी सी TNC है शायद, और ये आपकी चार्जर है आपका। अरे ऐसे ही खींच ले, निकल जाएगी शायद। हाँ नहीं, लॉक्ड है। अच्छा, अरे भैया। तो टाइप सी केबल के साथ ही है, अगर आप देखोगे तो केबल टाइप सी ही है। ओ इसको निकाल लो। अच्छा, जैसे तुम्हारा डुचकू सा डुचकू नहीं है। हाँ हाँ, सैमसंग वॉच का ये बाहर ही निकलेगा। देखो पहले इसको निकालो। ओ तो इस पे ये मैक्सेफ वाला ही है कॉन्सेप्ट शायद,
तो उस पर आप अपना वॉच रख दो और वो चार्ज जाएगी, वो हम अपन तो हमारा चार्जर हो गया, इसको साइड में रख देते हैं, ये हमने रख लिया है, चला के अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको घड़ी। और ये है आपकी घड़ी, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है डिब्बे के, ये खाली डिब्बा है, इसको ये डिब्बा है, ये खाली डिब्बा है, खाली डिब्बा है, इसके अलावा कुछ देता नहीं है एप्पल। एप्पल कहता है कि सिर्फ आप डिब्बा लें और निकलें, हमें बहुत सारे पैसे दे दें। हाँ, और ये हमारी घड़ी खुलती हुई अंडे की तरह निकलेगी। हाँ, ऐसे ही आशुभ। तो ये निकालते हुए, तो एक केस उन्होंने पहले से दिया है एप्पल वालों ने, और ये निकलती हुई घड़ी। नाइस यार। तो जी, हमने भैया का फ़ोन यहीं पर रख दिया है ताकि अपने आप हम आराम से देख सकें कि क्या चलती है हरकत। और जैसे मैंने आपको बताया था, सियरा ब्लू है, ऐसी ही घड़ी है, अगर आप देखोगे तो फुल ऑन मैचिंग मैचिंग हो रहा है, एक नंबर मजा सा आ रहा है। अब आशु भैया इसको करेंगे ऑन। हाँ, उसने नहीं, वो पावर का बटन वही होगा। ये हाँ, देखिए, एज आई सेड कि हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही आई वॉच यूज़ कर रहे हैं, तो हमें आइडिया नहीं है, या तो ये चार्ज नहीं होगी, इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई होगी, तो फिर हम लोग इसको चार्ज करेंगे दोबारा। तो अभी हमने वो चार्जिंग पे लगाई है, तो अगर आप देखोगे सांप सीढ़ी से ऐसा ना पाथ है उसका, है ना, ये भी एक नई चीज़ है। तो अब हम आई वॉच हमारी चार्जिंग पे चल रही है, चल रही है, जैसे थोड़ा टाइम लगेगा तब तक हम अपना आईफोन अनबॉक्स करते हैं। तो पहली बात आईफोन की जो अच्छी चीज़ और डिफरेंट चीज़ है, अगर आप देखोगे आईफोन 13 प्रो 1 TB 1 TB का फ़ोन है, एल्पाइन ग्रीन है, और ये उसकी यूनिट नंबर है। तो अगर आप फ़ोन को ध्यान से ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे, कहीं पे भी प्राइसिंग नहीं लिखी हुई होगी। हाँ शुक्रिया। हाँ भाई, तो यही एक चीज़ होती है। और ये जो मैंने मंगवाया वो मंगवाया USA वेरियंट, तो हम इसे यहाँ पर चला के देखेंगे एनी हाउ। ओहो, ग्रीन कलर यार, क्या लग रहा है, सही लग रहा है यार। नो डाउट आशीष भैया, तुम्हारा पहला है प्रो मैक्स। तो मैंने आज तक कोई भी मैक्स वर्जन यूज नहीं किया है आईफोन का, और ये मेरा फर्स्ट है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, वाइट तुमने मोस्टली यूज करा। हाँ, ये पहली बार कलर वेरिएंट में और भी अंतर। इसकी अगर खासियत देखो इस फोन के अंदर आप सब लोग, अशु ये रहा। तो अगर आपको दिखेगा कि ये MM का बैंड है, तो जो भी कंट्रीज है जिनमें 5G आ गया या फिर आएगा फ्यूचर में, तो ये आपको कहीं भी ले जाओ, किसी भी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ये कंपैटिबल होगा उससे। अपने फोन से सिम निकाल दी है और आशु भैया इसमें सिम डाल रहे हैं एल्पाइन ग्रीन में। भैया ऐसे बेदर्दी हो गया, तुमने फोन फेंक दिया। अरे नहीं यार, दर्द नहीं होता तुम्हें? बहुत होता है भैया जी। तो जैसे डलती हुई, हाँ, पावर का बटन दबा दीजिए। आई होप ये चार्ज्ड हो। चार्ज्ड है भाई। तब तक सिम को रखो। और मैंने जानबूझ के 1 TB फ़ोन मंगाया था, बिकॉज मुझे स्पेस में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो जी, आईफोन हमारा रीसेट हो रहा है, जब तक ये रीसेट होता है शुभिया तब तक घड़ी चार्ज हो रही है। 13 ये रीस्टार्ट हो गया है। तो जब तक हमारे दोनों आईफोन सेटअप हो रहे हैं, उसका डेटा उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तब तक हम आईफोन 13 प्रो मैक्स का शुभिया कवर, एक स्पाइजन का कवर मंगाया था हमने वहीं से, अर्पित भाई हमारे लिए लेके आए थे, हमारे मित्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बचपन के मित्र हैं। मित्र हैं, तो दुबई चले गए हैं, अभी आए थे, बहुत जल्दी जो उनका सपना है वो पूरा करे, भगवान ने सब में होगा। ट्रांसफर डेटा फ्रॉम आईफोन 13 प्रो, जी बिल्कुल, एंड आई विल अग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड ये अपने काम पे लग जाएगा। आई मैसेजेस, यस, सीरी वी विल सेट अप लेटर, एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल। वाईफाई अपने आप देखो, अगर आप देख रहे हो उसने अपने आप कनेक्ट कर लिया होगा वाईफाई, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो जब तक ये चल रहा है, डोंट यूज़ मोबाइल डेटा। तो जब तक ये चल रहा है, तब तक आशु भैया ने वो अनबॉक्स कर ही दिया है, और इसके साथ साथ इसके आशु भैया पिन भी निकाल दीजिए। सेम ये स्पाइजन का ही है, मैक्स सेफ का कवर है, सेम ये जो मेरा जैसा था ना। हाँ जी, बिल्कुल।
12 प्रो है ना, 12 प्रो मैक्स का जो था वही सेम एग्जैक्टली एग्जैक्टली सॉरी खूबसूरत लग रहा है। कितना काम करना पड़ता है यार, बड़ा काम है शुरू। तो इसको उठा के इस पर आप लगा दीजिए फोन को। सेक्सी और इसमें तो कुछ ज्यादा ही सही लग के लग रहा है यार। नाइस तो जी फिलहाल तो यही अनबॉक्सिंग थी, बाकी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये 1 TB का फोन है, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है जो इंडियन फोन्स होते हैं उससे, यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं है, है ना शुभिया? जो मेजर डिफरेंस है वो ये यूएसए वर्जन है, यहाँ की सिम डाल के चल रहा है। अगर आप देखोगे तो सिम फुल ऑन सिग्नल आ रहे हैं उसके, जो एयरटेल के आते हैं जितने। तो प्राइसिंग की अगर बात करें शुभिया, बता दें अपने सब्सक्राइबर्स को दुबई की प्राइसिंग। यार दुबई से तो बहुत सही पड़ गया। तो जो अगर आप इंडिया में प्राइस, मैं आपको वीडियो डालूंगा उसमें बताऊंगा ही, बट वॉइस ओवर कर दूंगा। बट अगर एज ऑफ नाउ देखो तो 1 TB आईफोन का प्राइस जो इंडिया में है वो है 180,000 रुपये, ठीक है। बट ये दुबई से मुझे पड़ गया है 102,000 रुपये का, तो जिसमें टैक्स वैक्स सब कुछ इंक्लूड था, बिकॉज वैट जो होता है वैट उसको रिफंड होता है जो टूरिस्ट होता है ना, और जो घड़ी है जो परमानेंट होता है उसको नहीं होता। जो हमारी घड़ी है, जो आई वॉच है, वो आई वॉच हमें इंडिया में 45mm एल्यूमिनियम केस के साथ सीरीज 7 वाईफाई ये पड़ती है इंडिया में 47,000 रुपये की, जो कि डिस्काउंट के शायद 45 की पड़ रही है। हमें वो टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के 30,000 रुपये में आ गई है इंडिया में। तो यस, अगर आपका कोई मित्रगढ़ है जो दुबई रहता है, प्लीज़ लो भाई, बहुत सस्ता पड़ता है इंडिया में प्राइस। 1 TB 180 का 1,00,000 का फ़ोन पड़ रहा है, यानी कि 80,000। बाकी हमारी आई वॉच अभी हो गई तैयार, फिर दोबारा आपके कंटिन्यू। फ़ोन अभी भी अपडेट हो रहा है, इट विल गना टेक सम टाइम, तो वंस इट्स डन उसके बाद आगे शुरू करेंगे। तब मैं ये घड़ी में ये भी अभी चार्जिंग पे चली रही है, पता नहीं कितना टाइम लेगी, आई डोंट नो, ठीक ठाक अभी ऐसे ही चले जा रहा है वो। तो मैं उसमें तब तक ये रिस्ट बैंड लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है। तो जी फ़ोन तो कह रहा है कि सेटअप हो चुका है, वो वापस क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था तो शायद उस वजह से वो रीकनेक्ट हो रहा है, और रीकनेक्ट होने के बाद वो प्रिपेयर कर देगा, प्रिपेयर कर रहा है ट्रांसफ़र के लिए। अब डेटा ट्रांसफ़र लगेगा, ट्रांसफरिंग डेटा टू आईफोन, ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम आईफोन 13 प्रो टू 13 प्रो मैक्स जा रहा है, क्योंकि नया फ़ोन है तो इसका नाम अभी चेंज हमने नहीं किया है इस वाले का, तो इसलिए वो आईफोन दिखा रहा है, तो बाद में मैं चेंज कर लूँगा। अब देखिए उसने अपने आप बोल दिया कि एप्पल वॉच आपका स्वागत करती है, ठीक है। ओके, सेटअप एप्पल वॉच, सेटअप फॉर माई सेल्फ, यस। अच्छा, उस पर आपको कैमरा लेके जाना पड़ेगा अपना। नाइस यार, ऐसा लग रहा है जैसे गैलेक्सी। ओ वाह, उसने अपने आप पूरा रीड कर लिया। अब एप्पल वॉच इज पेयर्ड, सेटअप कर लीजिए लेफ्ट राइट, बाकी हम सेटअप करके आपको दिखाते हैं। घड़ी देख रहे हो आप, क्या लग रही है। हम स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कैसा फॉन्ट रखना है, तो अब घड़ी अभी देखना, मैं वहाँ पे उसको ड्रैग कर रहा हूँ तो उसका फॉन्ट बढ़ रहा है। तो जैसे भैया ने बोला है कि उनको इतना ही अच्छी, ये ठीक है या फिर बस ये ठीक है, ये नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आगे चलते, अब हमारी 99% अपडेट हो चुकी है, 1% रह गया है, तो ये जो सर्कल ये जैसे ही पूरा हो जाएगा सुई हमारी एप्पल वॉच तैयार हो जाएगी यूज़ करने के लिए। तो यही है आज का हमारा भी अशुभिया ये वीडियो, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और बाकी मैं आई वॉच के बारे में एक हफ्ते इसको चलाएंगे हम लोग, इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या है कैसे है, और आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में बताऊंगा कि यूएसए वर्जन और इंडियन वर्जन में क्या अंतर पता चलता है या नहीं।
और आशु भैया और कुछ? मुबारक हो आशीष भैया, और मुबारक हो आशु भैया, और मुबारक हो हमारी फैमिली को, हम लोगों ने 501 सब्सक्राइबर टच कर दिए हैं। ये वीडियो थोड़ा लेट होगा क्योंकि अभी स्पिति की सीरीज चल रही है, उसके बाद ही डलेगा ये। अक्षा व्लॉग्स ने 501 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और इसको और बढ़ाओ, है ना आशु भैया? बिल्कुल, है ना। तो अभी इसके बाद आएगा डुकाटी की सर्विस का भी आ रहा है। हाँ, हमारी डुकाटी की एक सुपर बाइक है, सुपर स्पोर्ट्स एस सिल्वर वाइट, उसकी सर्विस का है, वो भी वीडियो आएगा। अभी काफी कंटेंट है, तो टेंशन मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा है। और कुछ फेयर कंटेंट मिलेगा? हाँ, ये नहीं दिखावा, दिखावा नहीं मिलेगा आपको, रॉ कंटेंट मिलेगा, जो सच है वो मिलेगा। सब्सक्राइब करो दोस्तों यारो, है ना, और इस टेबल को इग्नोर करना, ये ऐसी ही रहती है, बहुत ज्यादा काम होता है यहाँ पे। और बाकी के लिए थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अक्षा व्लॉग्स एंड लाइक शेयर कमेंट, वो तो करना ही करना है ना। जय हिंद, जय श्री राम।